हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोतिया। आज हम बात करने वाले हैं फ्लोएम की, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म एंड इन एंजियोस्पर्म। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म, इट इज मेड अप विद फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सीक्यू मेंबर, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म। द सीक्यू मेंबर इज द मेजर एंड द इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग मेंबर और एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना इंडिविजुअल मेंबर, सी ट्यूब मेंबर एक कॉइन स्टैक की तरह एक के ऊपर एक जुड़ते चले जाते हैं और साथ ही साथ एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग पार्ट इन फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म। साथ ही साथ ये कनेक्टिविटी आपस में ज्यादा अच्छी इसलिए भी हो पाती है क्योंकि ये जो कह लीजिए कि ट्रांसवर्स जो आपकी वॉल होती है बिटवीन टू मेंबर्स, वो कनेक्टेड रहती है वाया सम पोर्स, दैट इज कॉल्ड एज सी पोर्स। एंड दिस स्ट्रक्चर अल्टीमेटली लुक लाइक अ प्लेट जिसमें कि कई सारे छेद हैं, परफोरेटेड हैं, तो ये कहलाती है परफोरेशन प्लेट या सी प्लेट कहलाती है इन केस ऑफ सी ट्यूब मेंबर ऑफ फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म। नाउ दिस सी ट्यूब मेंबर बिकम्स loses all of its majority of its organelle, like nucleus गायब हो जाता है, vacuole गायब हो जाता है and other organelle भी नहीं इसमें रहते, रहता है तो थोड़ा बहुत cytoplasm रहता है peripheral form में, वो भी साथ ही साथ कुछ smooth endoplasmic reticulum में कुछ mitochondria रहते हैं, थोड़े बहुत ribosomes भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये living तो रहता है but इसकी ना खुद की कुछ function, ये डिपेंडेंट हो जाता है, खुद का अपना काम करने के लिए ना दूसरी सेल पे डिपेंडेंट रहता है और वो दूसरी सेल होती है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो कि एक तरह से इसकी सिस्टर सेल ही होती है। सिस्टर सेल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों के जो ओरिजिन हुआ है ना वो सेम सेल से हुआ है, दैट इज द मेरिस्टेम। दो दैट्स व्हाई दीज आर द सिस्टर सेल एंड कंपेनियन सेल इज द सेल जो कि अल्टीमेटली इसका सारा फिजियोलॉजी कंट्रोल करके रखती है। साथ ही साथ कंपेनियन सेल का एक काम है कि वो फ्लोएम पैरेन्काइमा से जो भी सब्सटेंस फर्दर फ्लोएम सैप के थ्रू मतलब ट्रांसलोकेट होना है वो पैरेन्काइमा से लेती है और फिर वो आप खुद लेके आगे सीव ट्यूब मेंबर में ट्रांसफर करती है विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इन फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म। फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, फाइबर फ्लोएम फाइबर perform the function of or provide the mechanical support to the tissue. Now, if we talk about the phloem in gymnosperm, it is again a complex tissue as like in the angiosperm. Here it is again made up with the four different type of cell, जिसमें कि सबसे पहले हैं sieve cell, जो कि exact functionally same होते हैं sieve tube members के, but morphologically they are different. देख सकते हैं यहाँ पे ये broad थे, थोड़े छोटे थे, ठीक है, और आपस में stack की तरह जुड़े हुए थे। यहाँ पे कोई भी ना इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो रहा है क्योंकि दे आर नॉट अरेंज्ड इन द स्टैक फॉर्म, दे आर लाइक डिस्पोज्ड विद इन द टिश्यू बट दे आर लाइक दे डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज एक दूसरे के ऊपर नहीं अरेंज है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें कोई भी सीव प्लेट, परफोरेशन प्लेट नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे छोटे छोटे से गोले गोले टाइप के स्ट्रक्चर, एक्चुअल दीज स्ट्रक्चर आर सीव एरियाज की, मान लीजिए ये पूरे स्ट्रक्चर में इतनी जगह में ना बहुत सारे छेद हैं और जो कि छोटे होते हैं as compared to that of sieve tube member, that's why it is called as sieve areas. And these sieve areas in case of sieve cells are present in the lateral wall only, not on the transverse wall पे नहीं पाए जाते हैं। So this is the actual basic difference. One more thing, their lumen is smaller, ठीक है, narrow होता है, यहाँ की तरह broad नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ as like here sieve tube member, they are also in association with another cell which is a parenchyma in nature, wo hoti hai albuminous cell, and albuminous cell ka bhi function exact same hota hai as like of companion cell. Now we have two thing in common, that is phloem parenchyma and phloem fiber, jo ki same function kar rahe hote hai storage and mechanical support ka, jaisa ki hame angiosperm mein dekhne ko mila tha. So this is the all like features and the basic differences between the phloem of gymnosperm and phloem of angiosperm. I hope ye lecture acha laga ho to please hit the like button, share this video with your friend and please subscribe my channel. Milte hain aage ke lectures ke sath mein, till then stay safe and stay blessed. Bye bye.